नमस्कार, मैं रतन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आज का पर्व प्रतिहिंसा राजनीति के ऊपर में है। वोट मिस जाने के बाद में पश्चिम बंगाल में एक तरफा तृणमूल कांग्रेस की विजय होने के बाद भी बहुत सारे इलाके में देखा जा रहा है कि प्रतिहिंसा की राजनीति अपने चरम पर है। कहीं बैरकपुर ले लीजिए, कहीं हुगली ले लीजिए, कहीं कलकत्ता ले लीजिए, और भी बहुत सारे ग्राम अंचल जहाँ तक मीडिया की आज भी पहुँच नहीं है, वहाँ भी प्रतिहिंसा की राजनीति हो रही है। सैकड़ों कार्यकर्ता अपने घर द्वार छोड़कर दूसरे के आश्रय पर जीवित है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रतिहिंसा ही राजनीति देश के लिए मुख्य धारा को जोड़ने के लिए और उन्नति के लिए काम आती है, या प्रतिहिंसा करके ही देश का भविष्य उज्ज्वल जाएगा। किंतु हमें ये भी देखना होगा कि युवा पीढ़ी जो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, रोजगार का तलाश कर रही है, उसे कितना फ़ायदा मिलेगा ये नई सरकार आने के बाद, आइए देखते हैं। हमारे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे आज मौजूद हैं कुंदन भारती जी। जनसंघ पार्टी के प्रेसिडेंट नरेश सिंह जी हमारे संग मौजूद हैं, समाजसेवी शानू जी हमारे संग मौजूद हैं। कुंदन जी, आखिर क्या वजह रही बीजेपी 405 सीट नहीं कर पाई? इतने इतने जनसभा के द्वारा, इतने इतनी रैलियों के द्वारा धरातल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए? सबसे तो मैं पहले बिग न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ और रतन जी का, और आपने जो प्रश्न पूछा कि बीजेपी 400 पार क्यों नहीं कर पाई, देखिए बीजेपी का वो मोदी जी जो है आज 10 साल से खाली जुमलेबाजी करते आ रहे हैं। ये 400 पार का नारा भी जो था उनका एक जुमला था, तो 400 पार नहीं कहा क्योंकि मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस रखे। 10 साल तो उन्होंने जनता का काम किया नहीं, खाली सिर्फ उन्होंने अंबानी और अदानी जी का काम किया। देश की जनता का अगर काम करते तो आज जो है मोदी जी 400 क्या 500 पार चले जाते उनके हिसाब से। मगर हमने, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में बैठ कर आज जनता का काम किया, जनता की आवाज़ उठाई। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी और बंगाल में अधीर चौधरी जी, जिस तरह से हमने सारा देश में जनता के लिए लड़ाई लड़ी और ये हमारी जो भी सीट आई है वो जनता की, जनता के जो हमने मुद्दे उठाए हैं और हमने हमेशा जनता का बात किया, इसलिए जनता ने हमें 52 सीट से आज 100 सीट पर पहुँचा दिया सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। जबकि मोदी जी बोले थे कि कांग्रेस 30 से 40 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, पर आज मुझे बड़ा दुख होता है कि मोदी जी खुद ही जो है बनारस से उनका खुद का मार्जिन कम चुका। अगर वो बनारस में अच्छे काम करते, और रहा सवाल 400 की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने मोदी जी को नकार दिया, क्योंकि आज भारतवर्ष की जनता ये समझ गई है कि मोदी जी सिर्फ जुमले के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसका सही जवाब आपको अयोध्या में मिल गया मोदी जी को, कि आपने का नारा था कि राम को हम लाए हैं, पर हम लोगों को तो ये वहाँ की जनता ने बोला और भगवान प्रभु श्री राम ने बोल दिया कि भैया आप मेरे नाम पे आए हैं, आप हमको नहीं लाए हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है उनको सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे विश्व में उनका पूजा किया जाता, लोग मानते हैं उनको। जो कृष्ण को मानते हैं वो भगवान राम को भी मानते हैं। तो ये सर्टिफिकेट भारतवर्ष की जनता धर्म के नाम पे जो राजनीति करती थी बीजेपी, आज उनको आईना दिखा दिया है। कुणाल घोष ने अभी कुछ देर पहले एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता दिया है कि कांग्रेस का ये जो आज दुर्दशा हुई है वो अधीश चौधरी पार्टी लाइन के बाहर जाके हुई है, इसलिए अगर पार्टी लाइन में रह के करते काम तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। देखिए कुणाल घोष का पहला उनका खुद का ही पार्टी गाइडलाइन सही नहीं है, क्योंकि कुणाल घोष का खुद का बैकग्राउंड उठा के देखिए, वो कभी कहाँ रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनको खुद नहीं पता है। अगर वो सही रहते, और मुझे नहीं लगता कि अधीर चौधरी का सर्टिफिकेट कुणाल घोष से लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट कुणाल घोष ऐसे लोग देंगे जो खुद जेल से निकले हुए हैं, जिनके ऊपर खुद शारदा स्कैम में फंसे हुए आदमी, अगर वो कांग्रेस और अधीर चौधरी को सर्टिफिकेट देना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। हाँ, बंगाल में जो बोल रहे हैं अधीर दाने लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जनता का मैंडेट है, हमने स्वीकार किया, अधीरता भी बोला, अरे भाई ठीक है, अधीर चौधरी जी लड़े हैं, डट के लड़े हैं,
पश्चिम बंगाल में एक ध्रुवीकरण चला, एक तरफ मुस्लिम वोट एक तरफ हिंदू वोट। तो हिंदू मुस्लिम अब यह हम लोग का कांग्रेस पार्टी जो है अधीर चौधरी ना हिंदू मुस्लिम तो किए नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और अधीर चौधरी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी। और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये लोग धर्म के नाम पे लड़े हैं, एक मुस्लिम को लेकर लड़ रहे हैं और एक हिंदू को लेकर लड़ रहे हैं, पर अधीर चौधरी जो है वो जनता के लीडर थे और है और आगे भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित नहीं होती है कि पश्चिम बंगाल जहां से अधीर चौधरी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस ने लड़ाई की है वो संघालघु उनसे पिछड़ते जा रहे, तभी जाके ये विलुप्त के करार पे कांग्रेस आ रही है? नहीं 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 नहीं, देखिए रतन जी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपको ये समझना होगा कि बरमपुर में जो पोजीशन हो रखी है ममता बनर्जी की देन है और बीजेपी का देन है वहाँ पे, ये दोनों आपस में मिलके आज हमारे जितने भी वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जितने भी वोटर हैं उनको इस तरह से डराया गया। आज बरहमपुर में आप पंचायत निर्वाचन देख लीजिए, हमारे कैंडिडेट को नॉमिनेशन तक नहीं दी गई, उनका नॉमिनेशन रोक दिया गया। विधानसभा में आ जाइए, हमारे कैंडिडेट को बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनको जेल में डाल दिया गया। तो आज कहीं ना कहीं प्रशासन को ममता बनर्जी की सरकार काम में लगाया है, लगाने के वजह से आज हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट में। इसका मतलब ये नहीं है कि अधीर चौधरी जी वहाँ से ख़त्म हो गया, कांग्रेस ख़त्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जो देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया। और आज 75 साल जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे यूनिवर्सिटियाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाए, आज भी हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं हमारे पूर्वज लोग जो पढ़ लिख कर आए हैं आज वो जवाहरलाल नेहरू जी की बनाए हुए यूनिवर्सिटी से आए, कोई एनडीए और ममता बनर्जी की यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए हैं। और अधीर चौधरी जी आज भारतवर्ष के नेता है, सिर्फ बरहमपुर के नेता नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। आज जब पार्लियामेंट में अधीर चौधरी जी बंगाल में एकमात्र वही ऐसे सांसद थे, तृणमूल के भले ही 23-24 सांसद थे, मगर आज बंगाल के लिए अगर कोई लड़ा है सांसद पार्लियामेंट में तो वो सिर्फ अधीर चौधरी है। आपने कहा कि अधीर चौधरी बंगाल के नहीं पूरे देश के नेता हैं, आप ये बताइए राहुल गांधी को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी क्या कि बंगाल में कांग्रेस का ये नौका डूबने वाला हाल है, इसलिए एक बार भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहीं कोई रैली में नजर नहीं आए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है रतन जी, क्योंकि ममता बनर्जी हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और यहाँ इंडिया अलायंस की होने के वजह से यहाँ पे राहुल जी प्रियंका जी का शेड्यूल इतना टाइट था, इसलिए उन्होंने बंगाल में नहीं आ पाए, क्योंकि ये शेड्यूल बहुत पहले से था। और राहुल जी प्रियंका जी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है नेता, वो भारतवर्ष के लीडर है, हर राज्य में उनको जाना पड़ा और उनका यहाँ पे शेड्यूल हो सकता किसी कारण से नहीं हो पाया, शेड्यूल उनको नहीं मिल पाया, इसलिए वो बंगाल में नहीं आए। मेरा दूसरा प्रश्न है आपका शानू हुसैन जी से, देश भर में अब तो इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, अब सरकार बनने के अग्रसर पर है, किंतु पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हो रही है, हिंसा क्यों नहीं रुक रही? देखिए इसमें ये कहना चाहूंगा मैं कि सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी का आइडियोलॉजी अगर आप देखा जाए तो ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ये लोग जो जनरल पब्लिक जो जनता है जो जनता चाहती है हमसे कि बेरोजगारी समाज में नौकरी मतलब शिक्षित लोगों को नौकरी उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आज कोई भी हिसाब से अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है या कांग्रेस सरकार पे आ जाती है तो कांग्रेस का भी यही सबसे पहला आइडियोलॉजी होना चाहिए कि बेरोजगारी और जो महंगाई इतनी ऊपर दर पे चली उस पर कम कुछ किया जाए, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर कांग्रेस को हम लोग ने मतलब जनता ने हटाया था तो उसके पीछे यही कारण था कि बेरोजगारी और शिक्षा की कमी की वजह से हटाया। और आज एक बार फिर से अगर कांग्रेस बीजेपी को इस चीज़ से हटाई जा रही है कि जो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करके इतना दूर को ये चीज़ कर दिया, तो आज बीजेपी को भी इसी कारण से जनता नकार रही है। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय यह है कि ये दोनों ही पार्टी के बाद एज अ सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जो भी पार्टी यहाँ आए सबसे पहले जनता के बारे में सोचे कि उसको क्या करना चाहिए, और अगर उस बारे में जो भी पार्टी सोचती है तो इसका रिजल्ट देश की भी उन्नति होगी और जो जनरल जनता है उसके लिए भी बहुत कुछ होगा। आपने कहा कि राजनीति होना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, किंतु पोस्ट पोल वायलेंस और
आपका ये हिंसा वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। परंतु ये देखा जाता है कि चुनाव के समय कभी धर्म की राजनीति होती है, कभी जाति की राजनीति होती है, दल बदल की राजनीति होती है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, ये तो आज साबित ही हो गया ना कि रिलीजन की जो राजनीति जो हो रही है उसमें बीजेपी सरकार को, हालांकि उन्होंने हिंदुत्व के नारे पे बहुत कुछ किया, जैसे कि आर्टिकल 370 को उन्होंने हटाया, हिंदू राज के राम मंदिर का स्थापना किया, बट जनता ये जानती है कि ये सब चीज़ों है एज हिंदुत्व के लिए बहुत अहमियत रखता है, मगर इसके साथ चाहिए विकास, हम लोगों को चाहिए एक ऐसा सरकार जिसमें वायलेंस ना हो या कोई ऐसा झमेला ना हो जिसके वजह से जो जनरल पब्लिक जो डेली खटती और रोजगार करती है उसको कोई तरह का आपत्ति नहीं। तो ये सब चीज़ के बारे में या कांग्रेस आए या बीजेपी आए इस पर चिंता करना चाहिए और जनरल पब्लिक के लिए कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो वो अपनी डेली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोच सके और एक शिक्षण एक अच्छे जगह पे पहुंच पाए। इस बार नरेश जी, इस बार के जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो उलट फेर हो गए, तो ये क्या कहीं ना कहीं नब पकड़ने में कहीं देरी तो नहीं हो गई? देरी हुई नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप लोग अभी टीवी आप लोगों से भी दिखाए एग्जिट पोल, नहीं जी एग्जिट पोल जो था वो लेकिन साबित कर दिया रहा, सब फेलियर हो गया। जी टीवी का जो आंकड़ा था उसे 19-20 हो गया है, अपनी जगह पर है, लेकिन उनका आंकड़ा सही था, नहीं सभी जितने आपका एग्जिट पोल वाले थे वहाँ दिखा रहे थे डबल, नहीं सिचुएशन वो नहीं हुआ, वो तो आप देखे भी होंगे, सभी आदमी बोल रहा था रिजल्ट बक्सा खोलने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, हर पार्टी का आदमी बीजेपी को छोड़ करके बाकी शरीर जितने हैं उसके बाद देख लीजिएगा क्या होता है नहीं होता है, लेकिन नहीं लास्ट में तो वही हुआ जो बोला था वही हुआ। इसमें तो ऐसा मोदी ने ऐसा क्या काम मोदी ने ऐसा क्या काम किया जो अयोध्या से भी हार गए, वाराणसी से भी पीछे चल रहे थे, ऐसा क्या है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है या राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, ये दोनों मामला आप देख लीजिए 10 साल में क्या किए हैं मोदी जी। नौकरी का मामला, एक भी नौकरी नहीं है, जो भी नौकरी था उस नौकरी को प्राइवेट बना दिए हैं, पब्लिक का एक जो खोप था एक खोप आज का डेट में बीजेपी को सरकार बनाने के तक संख्या नहीं हुआ जो कि 400 पार कर रहे थे, ये सिर्फ अपना बैंड बना रहे थे, अपना सिंबल बना रहे थे, मोदी 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 मोदी, कहीं भी जाने के बाद देख लीजिए मार्क कीजिएगा, ये लोग कहीं बोला नहीं कि बीजेपी की सरकार है, इन्हें शुरू से बोला कि मोदी का सरकार है, मोदी मोदी मोदी, वन मंथ सो मोदी। यही मामला हुआ था बम फ्रंट के टाइम में हमारे बंगाल में, आप लोग देखे होंगे ज्योति बाबू के नाम पर ब्रांड कर दिया रहा, लास्ट में पब्लिक ऐसा किया कि आज का हालात देख लीजिए वामपंथी का क्या पोजीशन है, एक कुत्ता बिलाई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मोदी बम फ्रंट के रैलियों में जनसभाओं में तो हजारों लाखों की भीड़ होती है, किंतु नेट फल जियो होता है, इसका वजह क्या है? वोट नहीं मिलता ना उनको वोट नहीं मिलता है, उनमें बहुत कमी था, हमको बोलना नहीं चाहिए, हम बहुत करीब से देखें नॉन बंगाली का मामला जो है वामपंथियों में व आपका तृणमूल सरकार में, दोनों में नॉन बंगाली का मामला बहुत है, कभी भी ये लोग नॉन बंगाली को बंगाल में कभी एक सीनियर पोस्ट पर कहीं देखने को नहीं चाहता है लोग, ये तो अफसोस की बात है कि मजबूरी है बोल के कितना कर लेता है, बहुत सा मामला है हमने देखा है हिंदू नॉन बंगाली को कैसे भगाया जाए, मुंह से भगाया नहीं है वामपंथी, खटाल हटा दो, कलकत्ता को बनाना है स्वच्छ शासन, खटाल हट गया, खटाल कौन था, सब हमारे बिहारी पी के आदमी थे, रिक्शा बंद कर दो, रिक्शा किसका था, बिहारी पी के आदमी का था, पोर्ट ट्रस्ट खिदीपुर से उठा करके ले गए हल्दिया पोस्ट का नाई नख पूरा कर दिए, ये तो वामपंथी ने कर चुका था, अभी जो बचा हुआ था टीएमसी वाले लोग ये लोग भी कर रहे हैं वही ढंग का, अब मोदी जी तो अपना ब्रांड बना रहे थे, वो बीजेपी की सरकार नहीं चला रहे थे, वो अपना सरकार चला रहे थे। कुंदन जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, चुनाव के पहले बसीरहाट का मुद्दा बहुत ही ज्यादा उछला, सभी मीडिया ने उठाया, सभी समाज सेवी लोग वहां पे गए, किंतु देखा जाता है कि एक सर्वे में कि सबसे ज्यादा वहां से जो
सांसद चुने गए वहीं से चुने गए, उसके बाद 11 सीट तृणमूल की महिला ने जीती है, जो परसेंटेज में देखा जाए तो 38% से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं महिला वोटर या महिला सांसद पश्चिम बंगाल से इस बार रिप्रेजेंट करेंगी, तो आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं संदेश काली के बारे में आपको बता दूं, रतन जी आपको जानकारी दे दे रहा हूं मैं, कि संदेश काली का जो मुद्दा था वो सिर्फ बीजेपी के लिए एक चुनावी मुद्दा था, और बीजेपी ने जो वहाँ पे जो नैरेटिव एक तैयार करने का कोशिश किया उसको अब उन्होंने सारा देश में फैलाने का कोशिश किया कि संदेश खाली में। मैं आपको एक चीज़ बता दें, एक आप नोट कर लीजिए, 2021 में जब वायलेंस हुआ था बंगाल में, पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा था, तब केंद्र से एक टीम भेजा गया था कि भैया आप देख के आइए कहाँ कहाँ पर पोस्ट वायलेंस हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि 2021 में वो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार थी, तो वो लोग आए और यहाँ पे होटल में खाना खाए और दिल्ली में जाकर रिपोर्ट दे दिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ पोस्ट वायलेंस का कोई कहानी नहीं है। अब मैं आपको और आगे उसके बाद में बता देता हूँ कि जब ये जो आपको याद होगा आपका अनुब्रतो मंडल, उस समय विपक्ष में यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की सरकार है, विपक्ष पार्टी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी है, तो जब वो चराम चराम डराम डराम नकुल दाना बतासा गुड़ बतासा आपका फिर पुलिस को बम मारो, तो उस समय जो है बीजेपी वाले ने क्या किया अनुब्रतो मंडल का अगेंस्ट में, आज कितना सारा FIR हुआ बताइए आप मेरे को, 0 FIR। अब आ जाइए, आपको मैं और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि NCR नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट में दिखा रहा कि भैया कलकत्ता सबसे अच्छा शहर है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखिए, संदेश खाली सिर्फ एक लोकसभा नहीं था, संदेश खाली जो लोग था वो एक आपका बसीरहाट लोकसभा में आ रहा था, पर बीजेपी इसको नैरेटिव किया कि जैसे संदेश खाली ही लोकसभा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए वहाँ का जनता जो भी हुआ कुछ ना कुछ तो देखिए हुआ है, पर जो नहीं होना चाहिए था, और ये मामला देखिए अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। और संदेश खाली का जो मुद्दा था इनको बीजेपी वालों ने चुनावी मुद्दा में यूज़ करने का कोशिश किया, पर संदेश खाली के लोग ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका बसीरहाट जो लोकसभा है वहाँ के जनता ने बीजेपी को सही जवाब दे दिया। हुसैन जी, कुंदन जी ने वक्तव्य कहा है NCR का जिक्र किया, NCR में कलकत्ता को साफ सुथरा क्राइम दिखाया गया, तो जहां पर कवि नजरुल का यहां पर गजल सुनाई देती थी आजकल बम गोले की आवाज सुनाई देती है, आम बात हो गई है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, जो युवा नौजवान है, वो क्या देख रहे हैं, जो आने वाले वोटर हैं, आने वाले जो भविष्य है, वो क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन का मतलब ही बम गोला? देखिए, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो बम और गोली की जो बात हो रही है, सरकार किसकी है? TMC की है। आज जीत के भी सरकार TMC ने काफ़ी मार्जन से अपने आप को साबित किया कि TMC, मगर ये जो वायलेंस हो रहा है ये कर रहा कौन है? सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है, वायलेंस जो सरकार पे है और जो सरकार पे नहीं है, क्या आम जनता क्या ये चाहती है कि इस वायलेंस पे वो चीज़ उन लोग को सफ़र करना पड़े? मगर ये दोनों पार्टी आपस की फाइटिंग में, आपस के विवाद में, आपस में ये सब चीज़ कर रही है, मगर जनता और लोकल पब्लिक कभी भी नहीं चाहती है कि इस चीज़ में वो आगे बढ़े। युवा आज के दौर में, युवा ये सोचता है कि उसको विकास के हिसाब से उसको जॉब मिले और यहाँ और बंगाल में और उन्नति हो, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में आप अगर देखें तो कोई भी नया कोई इंडस्ट्री बैठा नहीं है, ना ही कोई यहाँ कारखाना है, ना ही यहाँ कोई नौकरी है। आज के दौर पर अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रैपिडो, फ्लिपकार्ट और ये सब में काम करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ना ही TMC के तरफ से और ना ही BJP अगर आती तो BJP की, जनरल पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो ये बहुत ज़्यादा आने वाले दौर में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज आएंगे युवा के लिए, कि युवा आज भी ज़ीरो पे है, ना ही उसके पास नौकरी है, ना ही काम है, और ना ही कोई तरह का एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम लाया गया कि युवा इसमें बहुत कुछ कर सके। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आने वाले दौर पे अगर TMC अपने आप को फुल मेजोरिटी में लाती है तो TMC सबसे पहले युवाओं के लिए सोचे, और अगर ये चीज़ सोचती है तो उनके लिए बहुत बेहतर है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बात बताइए, जहाँ पर जिस राज्य में कल कारखाने नहीं है, जिस राज्य में रोजगार नहीं है,
उस राज्य की मुख्यमंत्री को इतना बड़ा बहुमत किस तरह से मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कहने की कि टीएमसी पार्टी ने अभी लास्ट में एक वो स्कीम निकाला जिसमें वो आप गरीब औरतों को 1000 रुपया करके उन्होंने प्रोवाइड किया, तो वो उनकी राजनीति एक पॉलिटिकल उनका एक स्टंट था जिसमें उन्होंने लेडीज वोटरों को काफ़ी हद तक अपने तरफ किया है। लक्ष्मी भंडार के हिसाब से उन्होंने 1000 रुपया करके हर जनरल पब्लिक को, मतलब लोकल वुमेनों को दिया, जिसके वजह से कुछ हद तक टीएमसी को वहाँ का सपोर्ट मिला। और आने वाले दौर में मगर ये चीज़ कांस्टेंट एक्सटेंड नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, इसका विरोध और इसके बारे में इसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आएगा आने वाले दौर में अगर आप इसको देखें। नहीं, भत्ते की राजनीति एक हद तक होती है, जैसे आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, लाडली बेटी के स्कीम से राजस्थान गवर्नमेंट देती थी, बंगाल गवर्नमेंट देती है, पंजाब गवर्नमेंट, सभी राज्य देती, परंतु आने वाले जो भविष्य है, नौजवान पीढ़ी है, वो तो खत्म होते जा रहा है, इसके लिए तो कोई राजनीतिक ना सचेतना है ना कोई राजनीतिक दल बात करते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई भी प्लान अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। इस प्लान को एग्जीक्यूट अगर करना है तो हमारी नेत्री जो सीएम है ममता बनर्जी जी को इस पे काफ़ी हद तक सोचना पड़ेगा कि युवाओं के लिए वो क्या हद तक कुछ कर सकती हैं, क्योंकि युवाओं के पास काम बिल्कुल नहीं है। और काम अगर करना है या अगर टीएमसी पार्टी को कोई ऐसा स्कीम लाना चाहिए जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जो डेली वेजिस पे काम करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा स्कीम लाएं जिससे उनके लिए उनका रोजगार भी हो और आने वाले दौर में वो अपने जीवन को एकदम इजी वे में यूज चला सके। नरेश जी, अभी जिस तरह से भारत का पॉलिटिकल सीनरी आप देख रहे हैं अपने नजरिए से, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, क्या मोदी में कहीं ना कहीं डील हो चुकी? राजनीतिक परिस्थिति आज का डेट में आप 30 साल से देखते आ रहे हैं दिल्ली की सरकार का, जब जब मेन पार्टी बड़े पार्टी जब मेजोरिटी में नहीं रहता है तब सरकार में आ जाता है। आज दिल्ली का पोजीशन सेम पोजीशन हो गया मोदी जी का। हमने अपने भाषण में बोले हैं ब्रांड वाला मामला, ये वाला मामला कांग्रेस के साथ में हुआ है। कांग्रेस जब भी आई है तो ले करके आई है, अकेले नहीं आई है, और जब लेकर आई है तो जनता के लिए जो काम होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, वो काम कहीं ना कहीं अरंगा लगता है। आपका पसंद है कहीं कहीं, मेरा नहीं पसंद है, हमने अरंगा लगा दिया, नहीं हुआ। ये भी आप लोग भी देखे होंगे, मीडिया लोग भी, चंद्रबाबू नायडू का आपका कांग्रेस साथ में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, अभी वो मोदी के संग में है। नीतीश जी कुछ दिन पहले ही थे RJD में, अभी चले गए हैं BJP में, अभी उनके साथ है। ये तो कहानी है ही है। तो ये सरकार अगर हो गया, उनका डिमांड अगर मान लिए मोदी जी, तो सरकार बेसी दिन नहीं टिकेगी। कुंदन जी, कहीं ये जो राजनेता है अपनी वोट बैंक की राजनीति या अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ 2-4 सीट 10 सीट की राजनीति करने के लिए ही तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी नहीं बना के केंद्र को दबाव में डालते हैं? देखिए, मैं आप जो बोल रहे हैं, मैं ये बात से तो कुछ दूर तक मैं सहमत हूँ। आज जिस तरह से आज गवर्नमेंट बनाने के लिए NDA सरकार और या मोदी जी को बोलिए, मतलब वो कुर्सी के लालच में आज देश का जो बंटा धार करने जा रहे हैं, ये उनको कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा। क्योंकि नीतीश जी के, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो अभी हम लोगों ने कुछ महीना से जो उनका जो देख रहा हूँ, कभी इधर कूद रहे हैं कभी उधर कूद रहे हैं, उनका नाम ही पड़ गया कि पलटू चाचा जी। ये राजनीति में आने वाला नेशनल राजनीति में और आपका देश के लिए ये अच्छा नहीं है। क्योंकि एक टाइम था, देखिए बिहार में जब अमित शाह जी गए थे तो उन्होंने बोल के आया था कि भैया हमको नीतीश जी का DNA टेस्ट करना है। फिर बोले थे कि भैया आने वाला टाइम पे नीतीश जी के लिए BJP ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मत पता नहीं है वो कौन सा दरवाज़ा, नया दरवाज़ा बनाया लगता नीतीश जी के लिए, जो पीछे दरवाज़ा से नीतीश जी आना चाह रहे हैं और BJP वाले उनको लेना चाह रहे हैं। अब इनके बीच में क्या डील है देखिए, वो तो हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं है। और रहा सवाल चंद्रबाबू नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू का भी तुम देख रहे हो वही कहानी है कि आजकल आज एक ट्रेंड हो गया आंचलिक पार्टी का कि भैया हम 5 सीट लाएंगे और केंद्र में जाके मंत्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बार्गेनिंग वाला जो पॉलिसी है आंचलिक पार्टियों का, ये हमेशा नेशनल पार्टी को दबाने का कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि शायद जो मतलब न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं कि 8 मंत्री मांगे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और आपका और ये आपका क्या बोलता है विशेष राज्य का दर्जा,
और इधर चिराग पासवान जी भी शायद 5 सीट ला के वो भी बोले कि भैया हमको 2 मिनिस्ट्री दे दो तो, और इधर नीतीश जी का भी डिमांड कुछ उसी तरह का है। तो अभी देखिए राजनीति है, अभी भी कोई फाइनलाइज नहीं है कि राजनीति, अभी थोड़ा देखते रहिए कि आगे होता क्या है, कब कहाँ कौन बदल जाए मौसम। बिन मौसम बरसात भी होता है, कभी कभी धूप में भी बारिश होता है, बरसात में भी धूप आ जाता है। तो थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अभी कुछ देरी विलंब हो गया था। ऋषि चौधरी जी हमारे संग मौजूद है, भाजपा के प्रवक्ता। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार पेश करता हूँ। जिस तरीके से हमारे सब भाई कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा, कुंदन जी ने, कि भाई आज भाजपा जो है सत्ता के लालच में विहीन होकर के आज आंचलिक दलों को बहुत कुछ देने के उपाय और उपहार जो है वो सोच रही है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये पोस्ट पोल अलायंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ JDU या आपके TDP तेलुगु देशम पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या नेता जुड़े थे वो प्री पोल अलायंस में ही जुड़े थे। हमने ऑलरेडी सीट शेयरिंग उसी हिसाब से की थी। लेकिन हाँ, कुछ महत्वाकांक्षाएं हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी की हम जरूर सुनेंगे, कुछ महत्वाकांक्षा जो तेलुगु देशम पार्टी की है, आज हमारे ही राज्य के, हमारे ही देश के एक वरिष्ठ नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी बात जो है एक गठबंधन की सरकार ले जाने के लिए सक्षम है भाजपा। ये चीज हमारे DNA में ही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमने सीखा है, और इसी DNA के कारण हमने भारत को एक विश्व पटल पे लाने का कोशिश किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के दौरान। आज वही DNA आज भाजपा रखती है, उसी से शायद हमारे DNA से कुछ सीख कांग्रेस के मित्रों ने लिया था कि 10 साल विगत भाजपा आने से पहले इन्होंने UPA के शासनकाल में गठबंधन की सरकार चलाई। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ भाई हैं कुंदन जी, कि 99 सीट ला करके अगर जनता का मत और जनाधार आपके तरफ है तो भाजपा 240 ला करके इस लोकतंत्र के पर्व में क्या जनाधार हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे NDA के पक्ष में नहीं है? आज NDA का जो जनाधार है वो 272 की जो प्रचंड सीमा है वो भी हम पार कर चुके हैं। तो आज सबल है और सक्षम है एक देश में संपूर्ण और समृद्ध सरकार देने के लिए। ऋषि जी, मैं आपको एक इंटरप्ट करना चाहूंगा। इस बार पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी का मुद्दा चरम पे था और एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चरम पे था, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा राम मंदिर पर भारी पड़ता हुआ दिखा नहीं आपको? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो ऐसा है कि सरकार की एक बहुसूचित यह है कि आप EPFO की रजिस्ट्रेशन को देखिए, विगत 10 सालों में 4 करोड़ EPFO में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो क्या आपको लगता है EPFO की जो संकलन आकलन है वो गलत है, या बेरोजगारी का अफवाह उड़ाने वाले लोग जो ये मुद्दा बना रहे हैं वो गलत है? हमारे सरकार के दौरान आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए, जिस प्रकार से भारत में इन्वेस्टमेंट आई है, उद्योगीकरण हुआ है मेक इन इंडिया के तहत, तो कहां से लोग आए? जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, रोड, हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, तो ये तो कोई मशीन तो बनाती नहीं है। आपको भी पता है मशीन चलाने के लिए, उपकरण को चलाने के लिए इंसानी जरूरत पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट तो हुई है। लेकिन ये मुद्दा क्या है कि हमारे लोगों को ये लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब के साथ जो दिखा रहे हैं, आप ये दिखाइए कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो मैं कहना चाहता हूं 2004 से 2014 तक आप भी विगत सरकार एक चला चुके हैं, आपने कितने एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन उस समय किया था? आज तो आप कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, देश में कितनी बेरोजगारी है, ये बताइए। सही बात है, देश में नौजवानों के लिए हमने बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे जो पॉलिसीज है वो लेके आए, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आज यही देश है जो 100 यूनिकॉर्न बनाता है। तो ये 100 यूनिकॉर्न बनाने वाले जो यंग एंटरप्रेन्योर है, क्या उसे युवा को आप बेरोजगार मांगते हैं? क्या उस युवा को बेरोजगार मानते हैं या उस महिला को बेरोजगार मांगते हैं जो देश में रोड बनाने में अपना सहयोग देता है, कल कारखाने में अपना सहयोग देता है? आज EPFO का रजिस्ट्रेशन विगत 10 सालों में 4 करोड़ है। मेरा ये सवाल है, या तो EPFO में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके मद्देनजर आप ये बताइए कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सूत्रधार है कि नहीं?
आपने कहा जिस तरह से आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सर्वे पलट गया? ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की जनता को आपको ऐसा है कि खतरे की घंटी महसूस हो गई? देखिए आपको बताता हूँ रतन जी, भारत का लोकतंत्र अमर है और भारत के लोकतंत्र और जनाधार को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती है और बहुत सम्मान के साथ स्वीकारती है। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में अभी हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में हमने कहाँ मिस्टेक कर दी। हमें ये भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हमारा टारगेट जब 400 पार था तो किस आधार पर हमने कहाँ वो चूक रह गया हमसे कि जो हमने अपने आधार को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन फिर पुनः उसी बात पर लौटता हूँ कि जनादेश जो है उसका अपमान ना करते हुए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं और भारत की जनता जिस तरीके से अपना जनादेश देती है उसे हम स्वीकार करते हैं। 2014, 2019 और 2024 इन तीनों लोकसभा क्षेत्र चुनाव के दौरान आप लोग बंगाल की जनता का नस नहीं पकड़ पाए? देखिए आज बंगाल की ही जनता है कि 34 बरस पुराने वामपंथ के शासन को उठा करके ममता बनर्जी अग्नि कन्या शासन में आई थी। आज बंगाल की ही जनता है कि पिछले चुनाव में हमें 18 सीट लोकसभा में सांसद भाजपा का यहां से निर्वाचित हुआ था। आज बंगाल की ही जनता है, उनका जनादेश अगर भाजपा के लिए 12 है तो हो सकता है, लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। हम फिर अपनी बातों को बंगाल की जनता के पास लेके जाएंगे, कहाँ हमसे चूक हुई उसकी समीक्षा करेंगे, अपनी बातों को ढंग से पहुँचाएंगे। और बंगाल की जनता है, मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि बंगाल की जनता है भाजपा को भी मौका देगी, यहाँ हम भाजपा भी 2026 में पूर्ण रूप से सरकार गठन करने में सक्षम रहेगी। कुंदन जी ये बोल रहे हैं कि अपनी हार की समीक्षा करेंगे, चलिए अच्छी बात है। ये जो समीक्षा की बात हो रही है, बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो क्या इनको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी चाहिए, गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं ऋषि जी से बोला कि भैया कि इन्होंने कि ईपीएफओ या इतने सारे जॉब हो गए, तो अगर आपने इतना सारा काम दिया होता तो आज आपको न भगवान श्री राम की ज़रूरत पड़ती न मुसलमान भाइयों की ज़रूरत पड़ती। आप काम के बाद पे वोट मांग लेते ना। आज 10 साल जो है मोदी जी अगर इतना ही काम किए होते तो कम से कम उनको 400 पार जाना चाहिए था। तो आज उन्होंने अगर ऐसा नहीं काम किया इसकी वजह से जो है उनको 400 पार, तो क्या समझ लीजिए उनको बहुमत के नीचे लाके खड़ा कर दिया। आज उनको जोट के एनडीए के मतलब जो घटक दल उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ा। आपको मैंडेट दिया, हम मानते हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया, तो आप क्यों नहीं सरकार बना ले रहे? क्यों अभी तक आप लोग का जोड़ तोड़ चल रहा? कभी नीतीश जी फोन नहीं उठाते हैं, कभी आपका चंद्रबाबू नायडू जी फोन नहीं उठाते तो मोदी जी टेंशन में आ जा रहे हैं कि भैया मेरी सरकार बनेगा नहीं बनेगा। तो आज अगर काम किए होते 10 साल में, क्योंकि आपने जो वादा किया था याद कीजिए कि 2014 में जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, आज अगर वो 2 करोड़ नौकरी की बजाय अगर 50 लाख नौकरी भी अगर दे देते तो आज मोदी जी को मेरे हिसाब से उनका ये दुर्दशा नहीं होता। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आज भारत और रहा सवाल बंगाल का, तो बंगाल में मोदी जी इतने सारे सभा किए कि भैया 30 पार 30 पार 30 आ रहा, मगर उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि तो बंगाल की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि राम और रहीम के नाम पे मोदी जी बोल दिए तो जनता जाके वोट डाल देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता काम पे वोट देती है, राम के नाम पे और वो झूठ जुमलाबाजी करके वोट नहीं देता है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 12 सीट लाने वाली भाजपा अकेले दम पर और गठबंधन के साथ जुड़कर भी आज कांग्रेस को 1 सीट का मौका मिला है, वो भी बंगाल से। तो मैं ये कांग्रेस के मित्र मेरे बड़े भाई वरिष्ठ इनसे कहता हूँ कि भाजपा को तो राजनीतिक सीख आपको बंगाल में देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बंगाल में आपका सुपड़ा साफ हो गया है। दूसरी बात, 99 सीट लाकर लोकसभा में आप भी बहुमत से बहुत ही दूर हैं, आप भी घटक दल के पास जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, आप भी अपने जो इंडिया अलायंस के लोगों के पास जा रहे हैं गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब आप कर सकते हैं
तो लोकतंत्र में एनडीए पहले से प्री पोल अलायंस में था, तो ऑलरेडी मैंडेट और जनाधार जो है एनडीए के पक्ष में है, और एनडीए के घटक दल आपस में नेतृत्व डिसाइड करेंगे, तो वो नेतृत्व डिसाइड कर चुके हैं। और कांग्रेस हमारी पुरानी जो पार्टी है देश की, हमें लगता है कि मानसिक रूप से इन्हें बहुत ही तनाव का शिकार है, क्योंकि आप ये बताइए, आज कहते हैं कि नौकरी ओबीसी एसटी, अरे भाई ओबीसी का अधिकार देने वाली मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने किया था, और आज उन्हीं के सुपुत्र राहुल गांधी जो हैं इलेक्शन के दौरान मंच पर पूछते हैं कि ये बताइए ओबीसी का क्या हिसाब, एसटी का क्या हिसाब, एससी का क्या हिसाब, आपने तो मंडल कमीशन का विरोध किया है 92 के दौरान। और आज अगर देश को अगर हम बांट के बात करते हैं, आप तो जात में बांट रहे हो, हम तो कभी धर्म अंतर्गत राजनीति नहीं करते हैं। भारत में हमारे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कहते हैं 140 करोड़ आवाम के वो सेवक हैं, तो जब हमारे पास 140 करोड़ आवाम की हम बात करते हैं, हम तो राम और रहीम की बात ऐसे तो नहीं करते। हाँ, राम का काम जो है, राम अपने प्रभु को न्याय दिलाने का काम हमने न्यायालय तक ले जा करके अपने प्रभु के लिए हम न्यायालय गए, और उसी न्यायालय में इनके हमारे कांग्रेस के मित्रों ने यह साबित करने में कोशिश किया कि प्रभु राम जो है काल्पनिक है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि इनके वरिष्ठ नेता हैं पी चिदंबरम, इनके वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, इनके वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक सिंह मनु सिंघवी, जो खड़े होकर के ये साबित करने में लगे हुए थे कि राम काल्पनिक है। आज प्रभु के आशीर्वाद से जजमेंट भी आज भारतीयों के पक्ष में आया, और ये कह देना चाहता हूं कि राम अगर काल्पनिक हैं तो आज किसी भी हिंदू पार्थिव शरीर की सैया निकलती है तो पीछे से उस सैया में आवाज आती है कि राम नाम सत्य है। समय की कमी की वजह से मैं अंतिम प्रश्न लेता हूं हुसैन जी के पास में। हुसैन जी, प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, कहीं ना कहीं युवा का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं इन प्रत्यारोप आरोप के बीच में कहीं ना कहीं गुम नहीं होता नजर आ रहा है। देखिए, जैसे मेरे बड़े भाई ऋषि जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, और 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और 10 साल में बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से आज उनको मेजोरिटी के लिए दूसरे पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है, तो आज इतने काम करने के बावजूद जनरल पब्लिक से अगर आप इंटरव्यू लेते हैं या उनसे पूछते हैं, तो फिर वो यूँ क्यों बोल रहे कि उनको कोई भी चीज़ का फैसिलिटीज़ आज तक मिला है। तो उस चीज़ के बारे में बीजेपी पार्टी आज है या फिर से सत्ता पर है, उसमें उनको चिंता का विषय करना पड़ेगा। जनरल पब्लिक के बारे में सोचना पड़ेगा, महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि ये जो धर्म की राजनीति जो बीजेपी आज तक करती आ रही है, इस राजनीति के बारे में उनको सोचना होगा कि ये अब और नहीं चलेगा। इनको ये सोचना होगा कि अब काम भी करना होगा। 10 साल में उन्होंने क्या किया, कितना किया, क्या किया, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। अगर कांग्रेस आती, यही चीज कांग्रेस के ऊपर भी लायबिलिटी। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा हुआ ना कि विपक्ष मजबूत हुआ। बिल्कुल, मगर इस चीज में ये भी चीज कांग्रेस को भी सोचना होगा कि आप आज इस वापस अगर सरकार पे आते हैं तो आपको इस चीज़ पे सोचना होगा, जो चीज़ बीजेपी ने गलती की वही चीज़ अगर आप गलती करेंगे तो आपको भी जनता नकारेगी। तो उस चीज़ के लिए सोचें, समझें और सरकार बनाएं, और देश के जो जनरल पब्लिक है, जो लोकल पब्लिक है, उनके लिए कुछ करें। मेरा यही आवेदन रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सभी पार्टियों के प्रवक्ता एवं हुसैन जी के माध्यम से सभी पार्टियों को एक ही निवेदन है कि कोई भी पार्टी आए, जनता के लिए काम किया जाए, युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं के बारे में कुछ सोचा जाए, एवं जो इलेक्शन के बाद में जो हिंसा की राजनीति होती है उसे तुरंत बंद किया जाए।